हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पावर मैथ क्लासेस। टुडे वी स्टडी नाउ चैप्टर्स नंबर बेटा 2, पॉलीनोमियल्स। बेटा पॉलीनोमियल्स में से आज हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेते हैं आरएस बुक से रिलेटेड। बेटा इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इफ़ एक्स प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल्स 2x² + kx, देन द वैल्यू ऑफ के इज, और आपसे पूछा गया है कि बताइए कि इसमें के की क्या वैल्यू होगी। बेटा आप जानते हैं जब ये इसका फैक्टर है, और जब इसका फैक्टर है तो आफ्टर ऑल आप इसके वैल्यू के रिजल्टेंट को इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। जब आप इस रिजल्टेंट को बेटा किसके इक्वल लेके चलेंगे, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू कितनी रखी, क्योंकि एक्स प्लस 1 आपका कितना है, 0 के बराबर होगा, तो एक्स की वैल्यू 0 जा के माइनस का 1। जब एक्स की वैल्यू आई बेटा -1, और -1 आप यहाँ एक्स की प्लेस पे रख रहे हैं, तो 2 ( -1² + k (-1) = 0। तो ये 2 - k = 0, तो k बराबर कितना आ जाएगा, 2, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा इसका, 2। नेक्स्ट इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये a² b² दे रखा है आपको, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप जानते हैं कि a² - b² किसके इक्वल होता है बेटा, सेकंड क्वेश्चन में a² + b² होता है a + b a - b। एक बार 1 टाइम 249 में 248 को आप प्लस कर दीजिए, और एक बार आप माइनस कर दीजिए। जब आप इसे प्लस एंड माइनस कर रहे हैं आइडेंटिटी के बेस से, जब बेटा आप इसे आइडेंटिटी के बेस से प्लस माइनस कर रहे हैं, तो 249 में से 248 लेस देन होगी तो 1 आ जाएगा, 249 में 248 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 497। तो इसका मतलब 497 × 1 कितना आ जाएगा, 497। तो इसका ये ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, x / y + y / x = -1, वेयर xy ≠ 0, द वैल्यू ऑफ x³ - y³। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये हमें रिजल्टेंट दे रखा है। जब ये रिजल्टेंट दे रखा है तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों को यदि हम चेक करें, तो ये x प्लस वाई को इधर कंटेनिंग करें और इससे ये रिलेशन से निकालते हैं, तो आपके पास ऑप्शन ए 1 है, -1 है, 0 है, 1/2, ये इनमें से बताने की कौन सी वैल्यू होगी इसके लिए। तो बेटा जब हम इसकी वैल्यू को इधर लेके आते हैं और ये माइनस का हो जाएगा, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये (x²y² + xy) किसके बराबर आ गया बेटा, ये (=0) के बराबर आ गया। और अब हम इस आइडेंटिटी को जानते हैं कि ये (x³y³) किसके बराबर होती है, ये (x+y) खुद ही आइडेंटिटी बनती है (x²y² + xy). तो जब वहाँ हम उसके प्लेस पे उसकी वैल्यू को 0 रखेंगे, तो कंप्लीटेड रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा इसका, 0। तो इसका मतलब (x³y³) की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि जब इस आइडेंटिटी को ओपन करते हैं तो इस आइडेंटिटी में (x-y) (1) में अदर ब्रैकेट में होता है (x²y² + xy), और इस कंडीशन से ये रिजल्टेंट है 0 के बराबर, उसमें पुट करने पर पूरा रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ये बेटा (a, b, c) = 0 है, तो (a³, b³, c³) रिजल्टेंट। वी नाउ दैट आप आइडेंटिटी जानते हैं, जब (a³, b³, c³) - 3 ABC होती है, तो आइडेंटिकल (ab+c) एक ब्रैकेट में अदर ब्रैकेट में (a²) + (c²) - (ab - bc - ca) के इक्वल होता है। उसमें ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे, तो पूरे रिजल्टेंट ये किसके बराबर होगा आपका, 3 ABC के बराबर हो जाएगा। तो आइडेंटिटी नंबर 8 यदि आपने कंसाइडर करिए, तो उसमें आप इस आइडेंटिटी की वैल्यू को पुट करके फाइंड आउट करते हैं, तो वहां से ये रिजल्टेंट आपके पास आ जाएगा कि ये रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, 3 ABC के बराबर। तो बेटा ये आइडेंटिटी आपके पास ये इस तरह से होती है, (a³) + (b³) + (c³) - 3 ABC जो इक्वल होता है (a, b, c) एक ब्रैकेट में अदर ब्रैकेट में (a²) + (b²) + (c²) - (ab - bc - ca), और इसमें आप (a, b, c) की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे, तो 0 मल्टीप्लाई में पूरा क्वांटिटी क्या आ गई, 0। जब इक्वल टू राइट हैंड साइड 0 आ गई, तो इसे इधर लाएंगे 3 ABC को, तो क्या आ जाएगा, 3 ABC के इक्वल आ जाएगा ये। इसी का एक क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है, इसमें a + b a - b एक आइडेंटिटी है जिसे आप ओपन करते हैं, तो a का स्क्वायर करेंगे तो 9x² हो जाएगा, और b आपका कितना है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। तो कंपेरिजन में p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1/4, तो कौन सा ऑप्शन राइट आ जाएगा इसका, c वाला ऑप्शन इसका जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द कॉपिशेंट ऑफ x इज द एक्सपेंसिज ऑफ x + 3 की रेज पावर 3। हमें इसमें x की कॉपिशेंट को बताना है, पहले हम इसे एक्सपेंसिज करेंगे (a³ + (b³) + (3ab) / (a+b) से, और फिर हम उसमें x के कोफिशिएंट को फाइंड करके बताएंगे कि क्या है। ओके बेटा जब हमने इसमें फाइंड किया इसकी एक्सपेंसिस क्यूब को, तो हम ये देखते हैं कि इसकी जब नंबर की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे यहाँ इसकी टर्म आ जाएगी, तो वो जो टर्म आएगी तो 3 × 3 9x, तो 9x आएगी, तो 9x में इसके लिए x के साथ का कोफिशिएंट कितना होगा बेटा, 9, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, इसका b वाला ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए फैक्टर, यदि ये इसके लिए एक फैक्टराइजेशन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर (a, b, c) में से कौन सा राइट होगा, ऑप्शन ए दे रखा है (x²+y²+2xy), (x²+y²-xy)+(xy²) और (3xy), इनमें से आपको ऑप्शन 5। तो बेटा ये वही रिजल्टेंट है, जब आप इसे ओपन कर रहे हैं तो इसमें ये एक्स की वेशन वाली सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा, 3xy
ऐसे नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सेम है जिसी आइडेंटिटी में। जब आप इसे ओपन करेंगे तो इन सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका आइडेंटिकल है और आपके लिए वन ऑफ फैक्टराइजेशन दे रखे, तो क्या रिजल्टेंट आ जाएगा इसका 10x। ये आपका क्वेश्चन 8 है, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 225x² माइनस 1 + 1 + 5x² इज, तो ये इससे डिवाइडेशन होगा, तो ये 10x इसके लिए जो इसमें से कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ, x प्लस वाई ये फैक्टर दे रखा है, हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो पी एक्सिस में जब x³ माइनस 20xx + 5k, ये जो रिजल्टेंट इसको आप इक्वल टू जीरो लेंगे, किस वैल्यू के लिए, x बराबर माइनस के 5 के लिए, क्योंकि x प्लस वाई इसके लिए फैक्टर पूछा तो इक्वल टू जीरो लेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई माइनस के 5। अब माइनस 5 इसमें इस x के प्लेस पे रख दो और उसे कैलकुलेट करते हैं, बाकी को इधर ट्रांसपोजिस कर लेंगे, तो k के क्या रिजल्टेंट आ जाएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 5 यहाँ से। नेक्स्ट 10 वाला क्वेश्चन, x प्लस 2 x माइनस 1 इसके फैक्टर हैं, आपसे पूछा है तो इनमें m और n की वैल्यू बताइए। तो बेटा जब हम इसे पर्टिकुलर चेक करते हैं m n के लिए, तो x बराबर -2 - 2 और x बराबर +1, x की दो वैल्यूज के लिए, x किसके लिए, एक तो -2 के लिए और एक +1 के लिए, ये इक्वेशन किस पॉइंट पे सेटिस्फाई करेगी, इसमें आंसर में पुट करके देख लेते हैं। एक तो m बराबर 7 और n बराबर 18 के लिए इसे सेटिस्फाई करेगी, तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसका बी। बाकी आपको मैंने मेथड बताया हुआ है कि आप इसमें पहले x बराबर -2 पे इसकी वैल्यू को निकाल लें, एक बार x बराबर -1 पे जो जीरो के इक्वलिटी में दो इक्वेशन आएंगी, दोनों को सोल्व करेंगे, वहां से mn की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। लेकिन बेस्ट मेथड होता है कि आप इनकी वैल्यू को रखें, ये देख लें कि किस पे सेटिस्फाई करके जीरो आ रहा है, तो किस पे आएगा, ये बी वाले ऑप्शन के लिए, m बराबर 7 और n = -18 के लिए।